हेलो दोस्तों, आईपीएल 2024 का सीजन का आगाज होने में बस कुछ ही घंटे का समय बचा है, मगर उससे ठीक एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस बार महेंद्र सिंह धोनी के जगह ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आपको हम बता दें कि 27 साल के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई टीम के चौथे कप्तान होंगे। इससे पहले धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना भी कप्तानी कर चुके हैं। धोनी ने 212 मैचों में चेन्नई टीम की कप्तानी की है, जबकि जडेजा ने 8 और रैना ने 5 मैचों की कप्तानी की थी। आईपीएल 2022 में चेन्नई ने एक दिन पहले ही नए कप्तान का ऐलान किया था, तब रविंद्र जडेजा को अपना कप्तान नियुक्त किया था, लेकिन उनका यह कदम बेकार गया। जडेजा की कप्तानी में चेन्नई का प्रदर्शन खराब रहा था, खुद जडेजा का भी प्रदर्शन बेकार हुआ था। तब जडेजा की जगह धोनी को मिड सीजन में ही कप्तान के रूप में फिर से जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 2020 के सीजन में आईपीएल डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में अब तक 52 मैच खेले हैं। गायकवाड़ को एक सीजन के लिए चेन्नई फ्रेंचाइजी ने 6 करोड़ रुपए भुगतान कर रही है, जबकि धोनी को 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इस तरह आईपीएल में गायकवाड़ की फीस धोनी से आधी है। धोनी ने हाल में ही फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर संकेत दिए थे कि वह अब आईपीएल 2024 में नए रोल में सामने आ सकते हैं। उनकी इस पोस्ट से फैंस की धड़कनें बढ़ गई थी। धोनी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, नए सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बने रहें। अपनी इस पोस्ट में माही खुलासा नहीं किया था कि उनका नया रोल क्या होने वाला है। अब इस पोस्ट की सारे बातें क्लियर हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि धोनी की तरह कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अपना राय कमेंट में अवश्य लिखिए।